नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गणेश उत्सव के प्रबंधन के लिए तैयार है नागपुर पुलिस, अमितेश कुमार ने दी जानकारी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश मूर्तियों पर प्रतिबंध, राज्य सरकार द्वारा पेश की गई नीति। और नागपुर में लापता युवक का शव मिला नाले में, शव नाले में मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। नागपुर में दो साल बाद गणेशोत्सव पूरे उत्साह और बिना किसी रोक टोक के मनाया जाएगा। गौरतलब है कि इस साल कई त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाए गए और कल से शुरू होने जा रहे गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इस संबंध में समीक्षा बैठक की। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि गणेशोत्सव के दौरान अपराधों की रोकथाम और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इस वर्ष श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए यातायात प्रबंधन पर भी खास नजर रखी जाएगी। हो, या वर्षी कोरोनाचे दोन वर्षाचे कालानंतर ही गणपती उत्सव साजरा होता आहे आणि जशा आता काही दिवसापूर्वी काही फेस्टिवल झाले आणि जशा प्रकारची गर्दी त्या ठिकाणी आणि रस्त्यावर दिसून आली ते लक्षात घेऊन यावर्षी गणपती उत्सव आणखी जास्ती जोरानी जास्ती फेस्टिव्हिटीनी साजरा होणार अशी पुलिसला अपेक्षा आहे आणि त्याचे अनुसरण जे काही उपाययोजना क्राउड मॅनेजमेंटची असतील, वाहतूक नियोजनची असतील, सेफ्टी सिक्युरिटीची असतील, क्राईमची विमेन क्राईम अगेन्स्ट विमेनची असतील, चेन स्नॅचिंग पिक पॉकेटिंग जे काही विषय आहेत सर्वांची साठी योग्य नियोजन पोलीस यंत्रणाद्वारा करण्यात आलेली आहे। आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विस्तृत बैठक ज्यामध्ये बारकाईने आढावा घेण्यात आलेली आहे आणि पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे तयारीत आहे, बंदोबस्त योग्य प्रमाणे नेमण्यात आलेली आहे। उद्याची स्थापना मिरवणूक आहे, अंदाजन 13 ते 14 ठिकाणी गर्दी आहे जिथे लोक भाविक मोठ्या प्रमाणात मूर्ती खरेदी करण्यासाठी येणार आहेत। त्याचे व्यतिरिक्त काही फ्लावर मार्केट्स आहे जिथे पण सकाळीपासून गर्दी होतो, अशा प्रकारचे सर्व ठिकाणीची नियोजन पोलीस यंत्रणाद्वारा करण्यात आलेली आहे। उद्यासाठी अंदाजन 4,500 पोलीस अधिकारी कर्मचारी, 2 कंपनी SRPF, अंदाजन 700 पुरुष आणि 300 महिला होमगार्ड्स हे बंदोबस्त नेमण्यात आलेली आहे। काल काही ठिकाणी रूट मार्चेसची आयोजन करण्यात आली होती, आज परत काही संवेदनशील भागात अशा प्रकारचे रूट मार्चेस करण्यात येईल। आज राष्ट्रीय OBC छात्र संघ की ओर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र राज्य में जिला और तालुका स्तर पर OBC छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास शुरू करने की मांग की गई है। इस मांग के साथ ही OBC छात्रों को 100% छात्रवृत्ति लागू करने और BCCA, BBA, MBA और अन्य पाठ्यक्रमों में भी OBC छात्रवृत्ति लागू करने की मांग की गई। इन मांगों का विवरण माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को दिया गया। इस निवेदन में OBC छात्रों के लिए 1998 में केंद्र और 2002 से 2003 से प्रदेश में 100% छात्रवृत्ति योजना लागू की गई थी, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने उन लोगों को 100% निर्वाह भत्ता और 50% प्रशिक्षण शुल्क दिया है जिनकी आय 1,50,000 से कम है। सर्कुलर के मुताबिक इस समय OBC छात्रों को 100% छात्रवृत्ति की मांग की गई थी। पिछले 4 वर्षों से बड़ी संख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रावास के उपयोग से वंचित है, तथापि छात्रावासों को जल्दी प्रारंभ किया जाए और जिन छात्रों को छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिलता है उनके लिए स्वाधार योजना लागू की जाए। इसके साथ ही मांग की गई है कि BCCA, BBA, MBA और अन्य पाठ्यक्रमों में बंद छात्रवृत्ति का 100% OBC वर्ग के छात्रों को दिया जाए। गणेशोत्सव बस एक दिन दूर है और राज्य सरकार ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश मूर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में गत सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने POP गणेश प्रतिमाओं को लेकर अपनी नीति पेश की, जिसमें मूर्तिकारों, गणेशोत्सव मंडलों, नगर निगमों और आम नागरिकों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस गणेश की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने की नीति फिलहाल अस्थायी है और अगले कुछ महीनों में एक स्थायी नीति तैयार की जाएगी।
पीओपी की मूर्तियों को लेकर नागपुर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई है। नीति को न्यायमूर्ति एएस चंद्रकर और उर्मिला जोशी फाल्के के समक्ष सुनवाई में पेश किया गया। राज्य सरकार की नीति के अनुसार गणेशोत्सव मंडलों को केवल स्थानीय प्रशासन द्वारा लाइसेंस प्राप्त मूर्तिकारों से ही मूर्तियां खरीदनी चाहिए। परियोजना के लिए नगर निगम की अनुमति लेनी होगी। आपको उसके लिए अपनी प्रबंधन योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। मूर्तियों की ऊंचाई यथासंभव कम रखनी चाहिए। ये मूर्ति भी पूर्णतः प्राकृतिक होनी चाहिए। मंडप में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल पर प्रतिबंध है और पूजा में इस्तेमाल होने वाली निर्माल्य का उचित तरीके से निपटारा कर दिया जाना चाहिए। सभी कचरे को नियमों के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही भक्तों के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 पर घटित दुर्घटना में प्रियंका सल्लावार नाम की महिला की मौत हो गई। इस हादसे में महिला की छोटी बेटी मामूली रूप से घायल है। ये दर्दनाक हादसा केलापुर तालुका के सुन्ना गाँव के निकट हुआ है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार किनवट तालुका के दहेली के नीलेश सल्लावार अपनी पत्नी प्रियंका सल्लावार और बेटी के साथ पंडरकवड़ा से आलीदाबाद जा रहे थे, तभी केलापुर तालुका के सुन्ना गांव के पास एक तेज रफ्तार से आ रहे वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में प्रियंका सल्लावार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्ची को मामूली चोटें आई है। बताया जा रहा है कि मृतका और उसके पति के बीच पिछले कई दिनों से पारिवारिक विवाद चल रहा है। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पुलिस निरीक्षक जगदीश मंडलवार के मार्गदर्शन में पांडरकवड़ा पुलिस द्वारा की जा रही है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। सोनेगांव क्षेत्र के एक लापता युवक की चाकू मारकर हत्या करने की घटना सामने आई है। चैताला बाजार इलाके में सोमवार सुबह 7 बजे उसका शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार मृतक का नाम भोजराज रामेश्वर डोमड़े है। पुलिस के अनुसार प्रतापनगर पुलिस को सोमवार को नाले में एक युवक के शव के पड़े होने की सूचना मिली थी। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि शव भोजराम डोमड़े का है और वह सोनेगांव थाना क्षेत्र में रहता है। छोटे पोले की रात 10 बजे अज्ञात आरोपित ने भोजराज का अपहरण किया गया था। सोनेगांव की सीमा में उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शव को जैताला बाजार स्थित नाले में फेंक दिया गया। इस मामले में प्रतापनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भोजराज की पत्नी ममता ने सोनेगांव थाने में पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने भोजराज का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोगड़े के साथ वैदही चौहान की रिपोर्ट। काल रोजी एक अनिरुद्ध उर्फ अनिल रामेश्वर डोमड़े यांनी एक तक्रार दिली की
त्यांचे भाऊ हे दिनांक 27 पासून मिसिंग आहेत आणि त्यांनी तशी तक्रार सोनेगाव पोलिसांना दिली होती. त्याच्या तपासामध्ये तात्काळ वरिष्ठ अधिकारी डी सी पी डिटेक्शन श्री चिन्मय पंडित साहेबांच्या आणि सी पी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली साऊथ रिजन श्रीमती वीणा जैन मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पी आय प्रतापनगर श्री बिताडे साहेब, पी आय सोनेगाव श्री सागर साहेब, आमची टीम, क्राईमची टीम आणि सर्वजण घटनास्थळी पोहोचले. तिथे एक डेड बॉडी अर्धवट कुजलेल्या परिस्थितीमध्ये आढळली आणि नंतर त्याचं लक्षात आलं की ते अननॅचरल डेथ आहे. मग तात्काळ त्याच्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि गुन्हा दाखल केल्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी सतत मार्गदर्शन करत होते. मान्य डी सी पी डिटेक्शन श्री पंडित साहेब हे सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत कंटिन्युअस इथं आम्हाला थांबून त्यांनी वेगवेगळ्या तपासाच्या सूचना दिल्या. तपासाच्या वेगवेगळ्या टीम्स बनवण्यात आल्या, त्याच्यामध्ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स, पोलीस स्टेशनच्या डी बी जी टीम, पी एस आय सॅमसंग वार, चंद्रमणीजी आणि संपूर्ण पोलीस स्टेशनची डी बी जी टीम, क्राईमच्या वेगवेगळ्या टीम्स तयार करण्यात आल्या. तपासामध्ये जे जे करणं शक्य होतं, ट्रॅडिशनल तपास आणि मॉडर्न तपास. मॉडर्न तपास म्हणजे त्या मयताचा मोबाईल नंबर, त्याचे सी डी आर्स, आणि ट्रॅडिशनल म्हणजे गुप्त बातमीदारामार्फत किंवा नातेवाईकांमार्फत विचारपूस. या सर्व बाबींचा अवलंब करण्यात आला आणि किमान आवश्यक काळामध्ये दोन आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत, सुनील बयेकर आणि उमेश दमाहे. तिसऱ्या आरोपीलासुद्धा ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे आणि अनैतिक संबंधातून हे कृत्य घडलं असावं असं प्रथमदर्शनी आतापर्यंतच्या तपासात उघडकीस आलेलं आहे. वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास चालू आहे. आरोपींना पी सी आरसाठी प्रोड्यूस करण्यात आलेले असून त्यांची पी सी आर घेण्यात येईल आणि आवश्यक तो पुरावा गोळा करून चार्जशीट करण्यात येईल. भंडारा रेप पीडिता की हालत में सुधार हो रहा है. अगले 6 हफ्ते के बाद उनकी बड़ी सर्जरी होने वाली है. वही अब सरकारी चिकित्सा अस्पताल प्रशासन उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस से पत्र व्यवहार करने जा रहा है. पीड़िता की हालत में सुधार है और शरीर के अधिकांश अंग पहले की तरह काम करने लगे हैं. वो अब अपनी परेशानियों के बारे में दूसरों से बात भी कर रही है. उसके स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए कुछ दिन पहले डॉक्टरों ने एनेस्थीसिया के तहत उनका कुछ आंतरिक परीक्षण भी किया. नागपुर में शिवसेना के ऑल इंडिया जनरल कामगार सेना की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था. इस पत्रकार परिषद में उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की. कामगारों पर होने वाले अन्यायों को रोकने के प्रयास करने का आह्वान भी उन्होंने इस वक्त किया. पद मिळाला आहे उद्धव साहेब नेतृत्वाच्या खाली काम करण्याची ही संधी मिळाली आहे. याच्यामधून मी कामगारांचे जे अन्याय होत आहे, कामगारावर हे फॅक्टरीवाले हे करत आहेत, त्यांच्यासाठी एक त्यांचा निवारा करणार आहोत. दुसरी गोष्ट, हे ट्रॅफिकचे जे ड्रायव्हर चालतात, पुन्हा लोडिंग गाड्या चालतात, प्रभूजींचे कामं येतात, त्यांना आळा घालणार आहोत, त्याला आळा घालणार आहोत. आणि माझ्या परीनं जेवढं होईल तेवढं नागपूरसाठीच वेळ देऊन मी माझे एक विचार आहेत की मी तिथं खामगावात न राहता मी आता नागपूरलाच राहणार आहोत आणि नागपूरमधून नागपूरचं नेतृत्व आणि पूर्ण विदर्भाचं नेतृत्व करणार आहोत. ज्यांच्यावर अन्याय होईल, ज्यांच्यावरही अन्याय होईल त्याच्यासाठी मी लढा देईन. याच्यासाठी उद्धव साहेबांनी जे सांगितलं, मी शिवसेनेला घराघरात पोचवायचं काम मी माझे जे सहकारी आहेत त्यांच्या थ्रू पूर्ण महाराष्ट्र विदर्भात पूर्ण फिरून जाऊन घराघरात जाऊन उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार आहोत आणि शिवसेना मजबूत करण्याचं काम करेल. तो बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज. नमस्कार.